ओके सो दिस इज द क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था जो दो बार ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ चुका है। देखो एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू उसको करने जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, मतलब 3 से 4-5 मिनट लग सकती है, बट अगर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको ध्यान से देख लो तो उड़ा डालेंगे ना बॉस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक डिस्क है यहाँ पे ओरिजिनली जिसकी रेडियस आर है, लेकिन उसका जो मास दे रखा है इस बार वो 9m है, इसका ओरिजिनल का मास है 9m, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड फ्रॉम दिस डिस्क अ स्मॉल डिस्क दिस वन ऑफ रेडियस r बाय 3 ये कट करके बाहर निकाल दी गई है जिसकी रेडियस है r बाय 3, इसका सेंटर आप o डैश मान लो, o डैश रेडियस है इसकी r बाय 3, इसको रिमूव किया है तो जो रिमेनिंग है ये वाली रिमेनिंग जो इतनी बच गई है, इतना मास बचा होगा ना क्योंकि ये तो काट दिया आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सेस जो यहाँ से पास हो रही होगी ये, ठीक है, रिमेनिंग का, इसका रिमेनिंग का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो सेम फंडा, बस हमने तो क्या चेक करना है कितने रेडियस की डिस्क कट करके बाहर निकाली गई है, उससे मतलब है। तो एन अगेन कितना है यहाँ पे सर, एन तो 3 है, सबसे पहले चेक कर लो फंडा क्या था सर, रिमेनिंग का आई नॉट इंटू, देखो आप याद हो गया होगा ना आपको भी, एन की पावर 4 खुद लिखो अपने आप सोच के, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख लो, ओके ओके ठीक है, एन की वैल्यू पटक दो, आई नॉट की वैल्यू बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये आएगा 1-1 बाई, ये तो सेम ही नहीं आएगा जो अभी किया था हमने, 4 1+2 3-1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा आई नॉट 1-, ये हो गया 181 इंटू यार 3-2 2 2 4 9, तो ये कैंसिल, सेम ही आ रहा है ना वही, क्योंकि डेटा तो वही है बॉस, ठीक है, 9 बचेगा नीचे, ठीक है, तो ये बचेगा 8/9, चलो भाई आ गया। तो जो रिमेनिंग डिस्क है बॉस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही सेम 8i0/9। तो सर ये दो बार आया, यस दो बार आया, तो सर अब क्या पंगा है इसमें, देखो भैया गलती क्या होती है, जब हम ओरिजिनल बॉडी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हम फटाक से लिख देते हैं mr²/2, बट इस क्वेश्चन में इसका मास 9m है तो 9m लेना है, ना कि ओनली mr²/2 लेना है, 9m लेना है, ठीक है। सो यू हैव टू पुट हियर, सो दिस इज व्हाट 9m, ठीक है सर, r²/2, देखो 9 से 9 कैंसिल, ये कैंसिल 4, तो आ गया 4mr² हो गया ना इजिली। अब जाके देखो इनके सॉल्यूशंस कहीं पे भी ढूंढो इनका सॉल्यूशन, हाउ लेंथ दे आर, ओके हाउ टाइम टेकन दे आर। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो देखो उड़ा दिया फटाक से बॉस, यही तो है कमाल फंडों का, ठीक है, कंसेप्ट भी सिखा दिया मैंने, ऐसा नहीं है बॉस, कंसेप्ट भी सिखा दिया आपको, फंडे भी बता दिया मैंने आपको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन। अब ज्यादा ज्यादा वो क्या करेगा, एक डिस्क देगा, एक क्वाइन देगा, यू नो उससे कटिंग करेगा, ठीक है, मास चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे 9m ले लिया तो 3m ले लेगा, 2m ले लेगा, रेडियस को 2r ले लेगा, कुछ भी ले सकते हैं ना भाई, डिस्क की कटिंग ऐसे करेगा कि उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, जैसे r/2 r/3 हमने लिया है, ठीक है ना, r/4 ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, बट सॉल्व करने का तरीका रहने वाला है सेम एज इट इज, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था जरूरी आपके लिए, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया है।